तो आखिर क्यों आए हैं अंडरटेकर एक बार फिर से वापस? सेथ रॉलिंस ने जॉन मॉक्सली के बारे में क्या बोला है? जिंदर महल का नया कॉन्ट्रैक्ट और कई सारी नई न्यूज मैं आपको देने वाला हूँ इस वीडियो में, तो इसको एंड तक जरूर देखते रहें, लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो गाइज मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया और ये होने वाला एक न्यूज़ का एपिसोड जहां पे मैं आपको दूंगा पांच ऐसी न्यूज़ जो मुझे लगता है कि आपको ज़रूर पता होनी चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट खबरें जो WWE से फिलहाल रिलेटेड हैं। सबसे पहले आती है गाइज बात अंडरटेकर की, और जैसा कि हमने देखा मंडे नाइट रॉ में अंडरटेकर का एक बार फिर से रिटर्न हुआ और उन्होंने वापसी अपनी करी है सुपर शोडाउन के बाद। अब इसका रीज़न गाइज यहाँ पे ये है कि सुपर शोडाउन के बाद एक मीटिंग हुई जहाँ पे अंडरटेकर विंस मैकमैन के साथ बैठे और उन्होंने कहा है जो मेरा मैच था गोल्डबर्ग के साथ बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट थी, और उन्होंने हैंड पिक करा ड्रू मैकइंटायर को एक और मैच के लिए और WWE ने उनको उनकी विश को ग्रांट करा, लेकिन इस बार सिंगल्स मैच की बजाय उनको एक टैग टीम मैच का पार्ट बनाया जा रहा है। और ये ड्रू मैकइंटायर के लिए काफी बड़ी बात है कि अंडरटेकर जैसा बड़ा लेजेंड उनके साथ एक मैच लड़ना चाहता है। और फाइनली हमें एक्सट्रीम रूल्स में रोमन रेंज एंड द अंडरटेकर वर्सेज शेन मैकमैन एंड ड्रू मैकइंटायर देखने को मिलेगा। अगली न्यूज की बात करें गाइस तो जिंदर मेल ने WWE के साथ अपना नया कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है जो कि 5 साल का है, और WWE अपने सुपरस्टार्स को जितनों को भी नया कॉन्ट्रैक्ट ऑफर कर रही है वो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट ऑफर कर रही है ताकि अगर एक बार उन्होंने उसको साइन कर लिया तो 5 से 6 साल तक जो है वो उनके अंडर काम कर सकते हैं और किसी कंपनी में जाने की उनको जरूरत नहीं है। तो जिंदर महल ने तो अपना WWE के साथ फ्यूचर सिक्योर कर लिया है, लेकिन अब देखने वाली बात है कि और कौन से ऐसे सुपरस्टार्स हैं जो ये सेम डिसीजन लेंगे। अब अगली स्टोरी की करते हैं बात गाइस, तो कोरी ग्रेव्स ने इंस्टाग्राम पे एक फोटो पोस्ट करी जहां पे वो एक फोन बूथ के अंदर कार्मेला को किस कर रहे हैं, और इससे उन्होंने अपना रिलेशनशिप कार्मेला के साथ ऑफिशियल कर दिया है। उन्होंने कहा व्हाट्स रियल इट्स रियल। और अगर हम देखें तो कुछ टाइम पहले कोरी ग्रेव्स की एक्स वाइफ जो है उन्होंने कंप्लेंट करी थी इसकी कि कार्मेला के साथ कोरी ग्रेव्स का एक अनऑफिशियल रिलेशनशिप चल रहा है, और तब कोरी ग्रेव्स ने कहा था कि ऐसा कुछ भी नहीं है और वो सारी बातें झूठ हैं। लेकिन अब कोरी ग्रेव्स ने ऑफिशियली वाकई अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट डाली है और इससे कंफर्म कर दिया है कि कोरी ग्रेव्स और कार्मेला जो है आपस में डेट कर रहे हैं। अगली स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग है गाइस, और ये बात करती है फॉक्स नेटवर्क के स्विच पे जो होने वाला है स्मैकडाउन लाइव का अक्टूबर में, और फॉक्स नेटवर्क चाहती है कि डोनाल्ड ट्रंप यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स फीचर हो एक बार फिर से WWE TV पर, और वो ये भी चाहते हैं कि जो स्टूडियो शो फॉक्स नेटवर्क करेगी WWE स्मैकडाउन के लिए उसका जो मेन पार्ट है वो जेरी लॉलर हो, क्योंकि जेरी लॉलर उनके हिसाब से एक काफ़ी पुरानी आवाज़ है इस इंडस्ट्री की और उस चीज़ को वो वापस लेके आना चाहते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप को WWE ने अभी से मनाने की कोशिश कर दी है कि कुछ ना कुछ तरीके से उनको स्मैकडाउन पर फीचर करा जाए। ये स्टोरी आगे कैसे बिल्ड होगी और डोनाल्ड ट्रंप इसके बारे में क्या कुछ कहेंगे या फिर नहीं, वो जानने को अगर मिलेगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। और फिर फाइनली इस एपिसोड की आखिरी स्टोरी गाइस ये है कि एक इंटरव्यू में जो कि ब्लीचर रिपोर्ट ने ली सेथ रॉलिंस से, उसमें उनके पूछा गया कि क्या उनके थॉट्स हैं जॉन मॉक्सली के ऊपर और जो सारी बातें उन्होंने करी हैं WWE के बारे में डॉक एज जेरिको के पॉडकास्ट में। अब उन्होंने बोला कि डीन एम्ब्रोस जब WWE में थे उन्होंने अपना पूरा दिया, अपना जितना भी शेड्यूल में वो काम कर सकते थे उन्होंने वो करा, लेकिन इवेंचुअली जो है उन्होंने हार मान ली और वो घर चले गए या फिर एटलीस्ट किसी और कंपनी में काम करने के लिए चले गए, और अब जो भी आके बातें वो WWE के बारे में बोल रहे हैं ऐसा लग रहा है कि वो ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट है ऑल इलीट रेसलिंग को लेके। लेकिन साथ के साथ सेथ रॉलिंस ने यह चीज भी क्लियर कर दी है कि जॉन मॉक्सली और उनके बीच में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है और वो जैसे पहले बहुत बढ़िया दोस्त WWE में थे वैसे ही रहेंगे हमेशा और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता खास। लेकिन तब भी उनको ऐसा लगता है कि WWE में सेथ रॉलिंस क्योंकि अभी भी हैं तो वहां पर रहकर जो है उनको उस कंपनी को प्रोटेक्ट करना है क्योंकि वो वहां के मेंबर हैं, और उनको लग रहा है कि जो डीन एम्ब्रोस ने टॉक इज जेरिको पे आके बातें बोली वो उनके हिसाब से सही नहीं थी और एम्ब्रोस को वैसा नहीं बोलना चाहिए था। लेकिन ऑब्वियसली सबका अपना ओपिनियन होता है गाइज, आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, कि आप ऐसे और एपिसोड्स देखना चाहेंगे जहां पे मैं आपको फटाफट से न्यूज दूं WWE की, और एक कॉम्पैक्ट सी वीडियो में फटाफट मैं आपको बताऊं कि क्या चल रहा है WWE की दुनिया में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अगर आपको वीडियो पसंद आई ऐसे लाइक करें और मुझे कॉमेंट्स में अपने ओपिनियंस बताएं, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।